हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्लाइस ऑफ लाइफ पेंटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छे ये फ्लावर्स बनाए हैं, जो कि आपने मेरे कई सारी वीडियोस में छोटा मोटा इनके क्लिप्स देख ही लिए हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही सस्ते दामों पे मैंने बना लिया है। जैसे पेंट वगैरह अगर आपके पास कोई पड़े हैं किसी भी तरीके के, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलो आओ फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं लक्ष्मी और मैं इस चैनल पे DIY यानी कि कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया और DIY बनाना सिखाती हूं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, इजी मेथड से। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में एग्स तो हम यूज़ करते ही हैं, तो उसके ऐसे कार्टन आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे बहुत अच्छे फ्लावर्स बनाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं हैं, तो मैंने घर पर ही बनाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम काट लेंगे, एक पीस काट लेंगे और उसको चारों तरफ चार ऐसे तरफ से काट लेंगे। तो इसमें ना चार कट्स लगा के हम इसको फ्लावर के पेटल्स का शेप दे देंगे। तो मतलब एक फ्लावर में हमें तीन ऐसे चाहिए रहेंगे, एक लीव्स के लिए और दो पेटल्स के, मतलब आठ पेटल वाला बनाएंगे हम। बहुत ही अच्छा बनता है, कोई भी बना सकता है, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से हमने एक पेटल कट कर लिया और मैं आपको एक लीफ भी कट करना बताऊंगी। जैसे हमने पेटल के लिए कट्स लगाए थे, वैसे इसके लिए भी कट्स लगाएंगे, लेकिन इसमें ना ऐसे क्रॉस क्रॉस करके लगा देंगे, छोटा छोटा कट लगाएंगे। और फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आराम से काटिएगा और एकदम तेज़ होना चाहिए आपका कैंची, क्योंकि ये बहुत डेलिकेटेड होते हैं तो कट भी जाते हैं। तो मैं दोनों तरफ से कट लगाने के बाद ऊपर से भी एक्स्ट्रा पार्ट इसको शेप देने के लिए काट देंगे। तो इस तरीके से बन गया, कितना सुंदर लीफ बना है। इसको ज़्यादा चौड़ा भी नहीं करना है हमको। देखो, इस तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे, तो दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। और इसमें ना एक टूथपिक लगा के मैं इसको कलर कर लूँगी, अंदर बाहर दोनों तरफ कलर कर लेना है। आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये शेड लिया है तो मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी, जो सनफ्लावर का एक्चुअल कलर होता है ना फ्रेंड्स, वही करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने में मेरे 2-3 दिन लग गए हैं, बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो इस तरीके से मैंने इन सबको कलर कर लूँगी, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप दो कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी दो कोटिंग की। अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हैं, एक बार अंदर से पूरा सूख जाए फिर ही आप ऊपर से दूसरा कोट कीजिए। एक बार अंदर से सूख जाए ना, उसके बाद ही आप बाहर कीजिए, नहीं तो आपके हाथ में सारे कलर्स लग जाएंगे। मैंने एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है, अंदर बाहर अच्छे से कर लेंगे और फिर इसको सूखने के लिए रख देंगे। वैसे सूख तो जल्दी ही जाता है, लेकिन एक दिन का तो आप रेस्ट या फिर गैप ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है आपको, ताकि आपसे कोई भी पार्ट इसका मिस ना हो। तो इस तरीके से आप अच्छे से कलर कर लीजिए। मैं सारे सबको कलर करने के बाद सूखने के लिए रख दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सारे हमने कलर कर लिए हैं, इनको सूखने के लिए रख दिया है, और जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वायर है मुझे रोड पे ही पड़े मिले थे, एक्चुअली कहीं इलेक्ट्रिसिटी या मीटर का काम हुआ था, तो उन्होंने छील कर ऐसे ही रखे थे वहाँ पे। मेरे को लगता है वो भूल गए, उनको लेके जाना होगा। ये अल्मोनियम वायर है और इसका एकदम बंच भी मिलता है, बट वो 1 kg का होता है, या जितना वो लोग बंच बनाते हैं ना उतना ही मिलता है। तो वो मेरे को 160 rupees का बताया गया है 1 kg। तो आप चाहे तो वो ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उसको कट भी कर सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और फ्रेंड्स, हमें ना ईयरबड्स भी लगेंगे, जो सनफ्लावर के अंदर ब्राउन ब्राउन पार्ट है उसको हम इससे कवर करेंगे। तो पहले फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था,
इन सबको इसमें रोल कर लिया जो मैंने वायर मोड़ा था। ये प्लास से मैंने मोड़ा है, अगर प्लास मतलब हैवी टूल से ही मुड़ेगा, वो थोड़ा हैवी है, वो थोड़ा हैवी है वो, और ये फ्लावर्स भी काफ़ी दिन चलेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास रबर बैंड रखे हुए थे ब्लैक कलर के, तो मैं उसी से टाई कर रही हूँ फ़िलहाल। लेकिन आप चाहे तो इन सबको कलर करके छोटे छोटे कट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने दो मेथड बताए हैं, एक रबर बैंड बना लगा कर भी आप ऐसे कर सकते हो, बाद में जो एक्स्ट्रा हो उसको आप कट कर सकते हो, और एक साथ ये सब ये सारे ईयरबड्स में एक साथ कलर हो जाएगा। या फिर आप इन सबको कलर करके ब्रश से और इनको सूखने रख दो, और फिर बाद में आप कट करके जहाँ जहाँ पे आपको लगाना है आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। तो ये दो शेड होते हैं ब्राउन के, और इनमें से मैं एक शेड यूज़ करूँगी, उसका नंबर ये है, और आप चाहे तो सेम टू सेम भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कलर्स में डिप कर लिया है, और मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इस तरीके से। और मैंने ना ये तो इस तरीके से किया है, और मैंने कुछ तो ऐसे काट कलर कर लिया है, फिर उनको काट काट कर फिर मैं जब हम सनफ्लावर को असेंबल करेंगे ना तो उसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने सुखा लिया है। फ्रेंड्स, ये जो पेपर होता है ये स्टेम के लिए यूज़ करते हैं, 30 से 40 रुपीज़ में मिल जाता है किसी भी बुक स्टोर वगैरह में, और ये चार शेड्स हैं लीव्स के लिए। तो मैं इसमें ये वाला शेड यूज़ करूँगी, आप इनमें से कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। इसका मेरे को पता नहीं, लेकिन ये मेहंदी कलर है, तो ये चार शेड्स होते हैं ग्रीन के जो मेरे पास है, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स, इससे हम ग्रीन कलर के पेटल्स बना लेंगे, उनको भी वैसे ही कलर करना है, लेकिन कलर बहुत अच्छा है, ये एकदम से पूरा स्प्रेड हो जाता है, मेरे को दो कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें, दो कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको भी अच्छे से कलर करके सुखा लेंगे, आगे पीछे से पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, अभी समर वेकेशंस भी चल रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी इंगेज कर सकते हैं इसको बनाने में। अगर वो बाकी का जो फिनिशिंग पार्ट ना कर पाएँ तो फिर ये सिर्फ कलरिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को, बहुत मतलब अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, तो आप उनको इन चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं बच्चों से आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाई के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की भी चीज़ें बनवाते हैं, तो उस तरीके से आप सोचोगे क्या रबिश बात कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने लगा लिया है। अब ये मैंने कैसे लगाया है वो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक वायर ले लेंगे, उसको प्लायर से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में जो एग कार्टून से हमने जो पेटल्स बनाई थी, पेटल्स को हम इसके अंदर लगा देंगे। दो पेटल्स का यूज़ करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे ताकि फ्लावर एकदम अच्छा लगे। वो लगाने के बाद मैंने इसमें, फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना भूल गई कि ये ऑरेंज कलर का मैंने ना इसमें शेड दिया है पेटल्स में, ताकि ये बहुत सुंदर लगे। तो इस तरीके से मैंने कलर कर लिया था, तो इस मैंने कैंची से काट काट के इनको रख लिया है, एक साथ मैं सारे के सारे इकट्ठा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब आ गई इसको असेंबल करने की बारी, तो हम इसके बीच में से इसको जो तार है ना उसमें इसके अंदर होल जैसा बना लेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे, फिर बाद में हम पेटल वाला भी कर देंगे। और देखो, इस तरीके से जिगजैग रखना है हमें, देखो ये है, और पीछे वाला जो है बीच में हम ग्लू गन लगा लेंगे अंदर के साइड में। पहले हम अंदर वाला कर लेते हैं कितना चौड़ा हमें चाहिए, फिर इस हिसाब से मैंने छोटे छोटे जो वो कलर करके रखे हुए हैं ईयरबड्स ब्राउन कलर में, छोटे छोटे ईयरबड्स जो कलर करके रखे हैं ब्राउन कलर में, तो वो हम इसके अंदर लगा देंगे। बहुत ही इजी है ये पार्ट, थोड़ा ग्लू गन का जो ग्लू होता है ना थोड़ा गर्म होता है, और जब तक वो गर्म है हमें फटाफट काम करना है, अगर वो ठंडा हो जाएगा तो फिर जो हमारा ये चिपकाना है हमें, वो चिपकने में बहुत परेशानी होती है।
तो जितना आपको रखना है उतना आप लगा दीजिए, और फिर नीचे भी जो हमारे पेटल्स के नीचे भी लगा दीजिए, और इसको अच्छे से असेंबल कर लीजिए। मतलब ज़िगज़ैग मैंने कहा था, जैसे कि एक तरफ है तो दूसरी तरफ करना है, ताकि ये फ्लावर का अच्छा सा शेप आए। तो फ्लावर्स के 8 पेटल्स हो गए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। और इस तरीके से हमने पेटल भी लगा लिया है। पेटल के लिए भी हमने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो मैंने ये वाला ही ग्लू का इस्तेमाल किया। आप नॉर्मल PVA ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। पेटल चिपकाने के बाद मैं थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी, ताकि जो पेटल्स हैं अलग से उभर कर आएँ और बहुत ही सुंदर लगें। अब फ्रेंड्स स्टेम लगाएंगे। स्टेम्स के लिए भी कोई कोई जो ये आती है ना फ्रेंड्स, उसमें ना पहले से ग्लू होता है। इसमें ना ग्लू नहीं था, रिबन टाइप ही होता है ये, लेकिन पेपर का होता है, टिश्यू पेपर टाइप पेपर होता है उसका होता है। तो इस तरीके से मैंने ग्लू गन लगा कर इसको रोल कर लिया है, ग्लू गन लगा कर इसको रोल कर लिया है। हम पूरे का पूरा स्टेम कवर कर लेंगे इसमें, और इस तरीके से रोल करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कवर करके पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लिया है, पूरा अच्छे से कर लेंगे। और आप चाहे तो इन सारे फ्लावर्स का बंच भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा भी ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं था, लेकिन आप बंच भी बना सकते हैं। मतलब ऊपर ऐसे फ्लावर, फिर नीचे ये एक फ्लावर, फिर नीचे एक फ्लावर। ये सनफ्लावर है तो ये अलग अलग ही रहते हैं, इस हिसाब से मैंने बनाया था। आप चाहे तो बंच भी बना सकते हैं कि एक बंच सनफ्लावर का हो गया, एक बंच दूसरे फ्लावर का हो गया, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है वैसे। तो इस तरीके से मैंने बनाकर सारे के सारे तैयार कर लिए हैं। और फिर मैंने इसमें एक बास भी बनाया है, उसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मतलब दो वास बनाए हैं, उनका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। ये वास है मैंने वॉल पुट्टी से बनाया है, दूसरा वाला भी वॉल पुट्टी से बनाया है। इस तरीके से ये ऐसे गिरते रहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप बंच भी बना सकते हैं, या फिर इसके साथ आप और भी सारे फ्लावर्स लगा सकते हैं, जिससे कि ये गिरे ना और काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये दूसरा वास है जो मैंने बनाया है, इसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ, और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं, फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।